का क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचे सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। सोनभद्र में खूनी खेल, रेणुकट के मैन हत्या कांड का 25,000 इनामी शूटर गिरफ्तार। रेणुकूट नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र स्वर्गीय हनुमान सिंह निवासी हनुमान कटरा ने रेणुकूट की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना पिपरी में कई धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस सनसनीखेज घटना की सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। थाना प्रभारी पिपरी द्वारा अग्रिम विविध कार्रवाई करते हुए अज्ञात अभियुक्तों के शिनाख्त हेतु प्रयास किया गया, परंतु स्थानीय लोग पहचान न कर सके। इस नृशंस हत्या में सम्मिलित अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा विशिष्ट निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी पिपरी के निकट पर्यवेक्षण में अपराध शाखा के स्वाट टीम व सरुलांस तथा प्रभारी निरीक्षक पिपरी की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा पतारसी व सुरागरसी कर फलप्रद सूचना का संकलन कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा इसी क्रम में गिरफ्तार हेतु 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुमार सौरभ उर्फ लव सिंह को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पिपरी थाना मोहनिया जनपद कैमूर बभुआ बिहार से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलामय 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि सासाराम जेल में बंद एक हमारे रिश्तेदार के माध्यम से अभियुक्त जमुना सिंह आए थे तथा उन्होंने उक्त घटना कारित करने के लिए कहा था। मैंने अपने दोस्तों तथा घटना कारित में सह अभियुक्त सुशांत सिंह, रवि सिंह, ब्रिकेश उर्फ बुलेट तथा गांधी यादव से बात करके रेणुकूट आकर घटनाकारी हम लोग फरार हो गए। केवज में अभियुक्त जमुना सिंह व अभियुक्त ब्रिजेश सिंह द्वारा हम लोगों को 5,00,000 रुपए देने के लिए कहा गया था। वितरण अभियुक्त वो बरामदगी गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में ब्रिजेश सिंह, अभय नारायण तिवारी, जगदीश मौर्य, जितेंद्र पांडे, जितेंद्र यादव, रितेश पटेल, सौरभ राय, दिलीप कुमार कश्यप, अमित कुमार सिंह, प्रकाश सिंह, ऋतिक सिंह, सर्विलांस सेल अपराध शाखा सोनभद्र आदि शामिल थे। कितने शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने हथियार गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? ये 2 माह पूर्व पिपरी चेयरमैन की हत्या में 5 लोग के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने जो विवेचना करी उसमें 5 शूटर जो बाहर से आए थे उनका नाम प्रकाश में लाया गया था। इस प्रकार कुल 10 अभियुक्त उसमें बने थे, उसमें से 9 अभियुक्तों को हम पहले ही जेल भेज चुके हैं और जो एक आखिरी शूटर था लव कुमार कुमार सौरभ उसको कल थाना पिपरी की टीम ने गिरफ्तार किया। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था। बहुत अच्छी प्रयास रहा यहाँ की जनपद की स्वाट टीम का और थाना पिपरी की टीम का, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार से जो लोग 10 अभियुक्त थे उसमें सभी के सभी जेल जा चुके हैं और शीघ्र ही हम इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करके जो भी अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर उसमें अब कोई अभियुक्त बाकी नहीं है? नहीं। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।